क्वेश्चन नंबर 40। भारत यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फिक्स्ड एट द एंड। तो ये सीलिंग है और ऐसे दो रस्सी से इस मीटर स्केल को लटका रखा है। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर की लेंथ। इसका मास जो है वो 200 ग्राम है। मीटर स्केल का 200 ग्राम का मास हुआ तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.2 kg। 0.2 kg पे ग्रेविटी कितना लगेगा, 0.2 × 10 यानी कि 2 न्यूटन। तो इस पार्टिकल में ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ है देखो। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो ये पार्टिकल एक रखा हुआ है, ये पार्टिकल, और इस स्ट्रिंग से ये 70 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है। 70 मतलब लेफ्ट एंड से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब 20 ग्राम का है, 200 ग्राम वाले पार्टिकल पे 2 न्यूटन लगा था फोर्स, तो 20 ग्राम वाले पार्टिकल पे 0.2 न्यूटन लगेगा, तो ये आगे 0.2। अब पूछा है कि टेंशन्स बताओ दोनों रस्सियों में क्या होगी। ठीक है, T1 और T2 मान लो। इतना तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा कि इस पार्टिकल के होने की वजह से, अरे एक चीज एक चीज, ये मैं बीच में क्यों लगाया हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। ठीक है ना भाई, ये mg कहाँ पर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। हाँ, और ये एक पॉइंट पार्टिकल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, T1 T2 की वैल्यू अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है सिचुएशन। इस पत्थर की वजह से, इस पार्टिकल की वजह से अनसिमेट्रिक हो गया है, तो T1 T2 विल बी डिफरेंट। सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूंगा। तो ऊपर की तरफ लग रहा है T1, ऊपर की तरफ लग रहा है T2, और नीचे की तरफ लग रहा है 2 और 0.2 यानी कि 2.2 न्यूटन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी भी एक और इक्वेशन की जरूरत है। दो वेरिएबल है यहाँ पर, T1 और T2। तो कहाँ से लाएं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब दुनिया का कोई सा भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 ही आएगा। ठीक है, तो बाहर तो कोई बेवकूफ ही होगा जो बाहर किसी पॉइंट के अबाउट लिखेगा, वो तो इन चारों पॉइंट में से एक को छांटेगा, है ना। पर इन चारों में से भी इसको या फिर इसको सेलेक्ट करो, या तो इसके अबाउट लिखो या तो इसके अबाउट लिखो टॉर्क। क्योंकि इसके अबाउट अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो इस फोर्स का, T2 फोर्स का टॉर्क 0 आ गया, तो उस इक्वेशन में केवल T1 की वैल्यू, T1 आएगा उस इक्वेशन, तो सीधा T1 की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि करके दिखाता हूँ, इस पॉइंट को मैं ओ मान लिया। ठीक, अब मैं लिख रहा हूँ टॉर्क अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। तो इस 0.2 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और इस 2 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस T1 वाले क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो बैलेंस हो जाएगा। तो बस मैं मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देता हूँ। तो ये 0.2 न्यूटन वाले का टॉर्क कितना आएगा, 0.2 × 30 सेंटीमीटर, है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 प्लस ये 2 मीटर वाले का टॉर्क क्या आएगा, 2 न्यूटन, सॉरी 2 × 0.5, रस्सी के बीच में है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.5 हो गई। और ये जो T1 है वो कितनी दूरी पे है, वो 1 मीटर की दूरी पे। तो इन दोनों का कंबाइंड टॉर्क विल बी इक्वल टू T1 का टॉर्क विच इज T1 × 1 मीटर। बस यार सॉल्व कर लो, T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0.5 इज 1, और ये हो गया 0.06। तो T1 की वैल्यू आ गई 1.06। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू को पुट कर दो तो T2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, बस इतना ही है यार। अब ये आंसर मैंने एक्चुअल में ये 1.04 दे रखा है, पर मेरा आंसर 1.06 आया है। मेथड में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, शायद मैं ग्रेविटी की वैल्यू को 10 लिया हूं, तो 9.8 लूंगा तो शायद क्लोज आ जाएगी, और आस पास आ जाएगी वैल्यू, है ना, 1.04 के। लेकिन जब मैं
हाँ मेरे को याद आया, मैं इसको सॉल्व जब किया हूँ तो भाई 1.06 आई है, और मैंने जी की वैल्यू को कहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, 2 और 0.2 न्यूटन का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मैं इस वैल्यू को ओवरऑल 0.98 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है। देख लो भाई, 0.98 × 1.06, तो ये वैल्यू अभी भी 1.038 आ रही है। ओ अरे सॉरी यार, ये तो आ रहा है आंसर, बढ़िया, कुछ गलत याद आ रहा होगा भाई। ठीक है चलो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 लोगे तो 1.6 आंसर आएगा, और ग्रेविटी की वैल्यू 0.98 लोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 1.038, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1.04 न्यूटन।